फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना मैं आपके साथ शूट करने वाली हूँ पूरा, और इस व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी जो आप लोग को देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ तो मेरी मम्मी कचौड़ी बना रही है। मम्मी ने भरे, क्या भरा है मम्मी तुमने? कचौड़ी। कौन सी? कहड़ोड़ी के मसाला। कहड़ोड़ी के मसाले की कचौड़ी। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोग बताओ ये आपको कितना पसंद है। ये तो मेरी जो मम्मी बनाती है ना, मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। दो तीन बार मेरी मम्मी और भी बना चुकी है। तो यहाँ तो मेरी मम्मी फ्राई कर रही है, तो चलो मेरी मम्मी जब तक फ्राई कर रही है तब तक हम लोग वीडियो बनाएंगे। और पता है एक चीज़ आपको बताऊँ, इस ब्लॉग में ना आपको पूरा ब्लॉग देखना है, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे, मतलब अपने विलेज में कैसे रहती हूँ, और यही सब है। तो यहाँ मेरी मम्मी फ्राई कर ले, तब हम लोग मिलते हैं। बाकी सब ये फ्राई करना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पे अभी आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और अभी 5 बज रहा है। तो हम लोग ने सोचा चलो अभी से ही व्लॉग करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और पता है आज हमारे यहाँ बहुत कुछ लगा है, पीछे आपको कुछ दिख भी रहा होगा। तो ये इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर था नहीं यहाँ पे, ऐसे ही लाइट सिंपल चलता था। तो वही इन्वर्टर और स्विच वगैरह सब लगा है, और जो भी वायरिंग जो सब कुछ हुआ है, तार ना सारे जब भी थे, जब हम लोग आते थे सारे लटकते रहते थे, तो वही सब मेरे पापा ने सब पिन करके ऊपर लगवा दिया है सब कुछ। और लाइट, इस रूम की भी लाइट ख़राब हो गया था, और पंखा भी ख़राब हो गया था, तो ये सब भी है। बाकी जो पीछे वॉल है उसे माइंड मत कीजिएगा। तो चलो, और ये सब तो अभी ठीक होता ही रहेगा। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ दिखा देती हूँ। चलो वही निकाल ली अपनी फ़ोटो। हो डिंग 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 दिखला रही हूँ। ये देखो मेरी फोटो को इस तरह से दिखाती हूँ, ये मैं हूँ। मैं इसमें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि अब देखो मुझे, और तब देखो कितनी सुंदर लगती थी। अब तो बस पढ़ाई यही सब है। मैंने, पता है मैं इसके पीछे की स्टोरी बताऊँ, मैंने यहाँ पे मोबाइल क्यों लिया है, मैं फोटो नहीं खिंचवा रही थी, तो मेरे जो नाना थे ना उन्होंने मुझको मोबाइल दे दिया कि खिंचवा लेगी फोटो, क्योंकि मुझे मोबाइल चाहिए था। मैं मोबाइल देख रही थी, मुझे कुछ यूनिक सा लगा, मैंने सोचा ये क्या है यार, चलो ले लेती हूँ। तो मैं जब भी फोटो खिंचाती ना, तब मैं भाग भाग के चली जाती हूँ उनके पास ही, तो इसलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं यार। मैंने ये उस समय फ़ोन तो पता ही आप लोगों को, कितने छोटे छोटे से फ़ोन चलते थे, कितना छोटा सा फ़ोन है, उल्टा पकड़ा है मैंने, देखो फोटो खिंचवाई है। चलो भाई, इस देखो यहाँ पर रात हो गई है, और ये हमने बाहर लाइट लगाया, एक पहले भी लाइट लगा था, बट पता है क्या था कि वो ना लाइट सब ख़राब होती जा रही है, अब धीरे धीरे बारिश वारिश होता है तो पानी पड़ता है तो ख़राब हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मेरी सारी भैंसें सो रही हैं, और मैं सिंपली ऐसे घूमती रहती हूँ, थोड़े से वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ कभी कभी। तो ये तो यहीं सोएंगी, मैं पीछे आपको दिखा, ये जो जहाँ हमारा बगीचा है, जामुन का पेड़ लगा है, नारियल वाइट, मतलब नारियल सॉरी अनार अमरूद सब वहाँ पे भी, यहाँ एक पीछे एक लाइट पापा ने लगवा दिया है। तो ये पहले लगा था, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ लगाने था, लगा था यहाँ पे, बट पता है क्या, वही सब लाइट्स वगैरह सब ख़राब हो गई थी, फ्यूज़ हो गई थी कुछ लाइट्स, तो वही सब पापा ने आज सब करवाया है, पूरा तार एकदम अच्छे से सेट करवा के। तो वही, और यहीं पे हम लोग सोते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे जो ये हम लोग के मच्छरदानी एकदम टेंट की तरह हैं, मेरे पता है इसे हम लोग एलियन बुलाते हैं। और यहाँ का मून आप लोग देखेंगे ना, बहुत बहुत सुंदर है, ये देखिए एकदम ऑरेंज कलर का, और बहुत बड़ा सा है, कैमरा भी उसे कैच नहीं कर पा रहा है, इतना सुंदर है वो। और ये पूरा मेरा गाँव सब है, अंधेरे में ही सब दिख रहा है। और ये हम लोग का घर, और यहाँ पर हम लोग सोने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई भी सो रहा है, मतलब वो अंदर है, इसके अंदर। मैंने सोचा चलो वीडियो तो बना लेती हूँ, उधर मून है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस देखते ही रहो उसे। सो सुबह हो गई है, सबसे पहले क्या बनता है सुबह सुबह, खाना बनता है मस्त मस्त। तो ये देखो खाने के साथ मैंने क्या किया, मम्मी बताए वो जीरे जो दाल में जो नहीं तड़का लगता है, वही मम्मी कर रही है, और मैंने ना वीडियो बना लिया उसी का। और यहाँ आज हमारे यहाँ ब्रिंजल की सब्जी बनी है, वो भी हमारे गार्डन से एकदम शुद्ध।
हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पता है हम लोग सुबह उठ गए हैं और मैंने आपको अभी तक खाना वाना भी सब कुछ दिखा दिया है। और वैसे अगर नहीं भी दिखाया होगा तो इस जब मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाएगा सुबह का, तब आप लोग देख ही लेंगे खाना। और वैसे तो मुझे उस खाने में मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आज मेरी एक अच्छी सी फेवरेट चीज़ बनने वाली है और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहती हूँ। चलो दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने ये देखो ये तोड़े हैं दो ब्रिंजल और ये मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, बट हाँ तोड़ने में तो मज़ा ही आया मुझे। इसे एकदम फ्रेश है, मैंने आज सुबह ही तोड़े हैं। और कल मैंने पता है 5 ब्रिंजल तोड़े थे, इतने ज़्यादा उसमें आए थे और कितने सॉफ्ट है ये। इसका मेरी मम्मी बोल रही थी कि चोखा भी अच्छा लगता है। और सब्जी जो मैंने अभी आपको दिखाऊंगी या दिखा चुकी हूँ, मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मैंने एडिटिंग किया नहीं है, तो तब मैं इन्हीं सबका सब्जी बनाया। मैं पता है आपको दिखाना भूल गई जब मैं तोड़ रही थी ये ब्रिंजल्स। और आप लोग सोचते होंगे मैं इसी रूम में रहती हूँ क्या, तो फिर मैं बता दूँ, हाँ फ्रेंड्स मैं इसी रूम में रहती हूँ, यही मेरा रूम है, मैं इसी में रहती हूँ और इसी में वीडियो भी बनाती हूँ, बस सोने ऊपर जाती हूँ और खाना भी मेरा इसी में होता है। पढ़ाई के लिए देखो आज सुबह मेरी मम्मी सारी बुक्स वगैरह सब ले आई है, वो कल काम चल रहा था तो सैनिटाइज मम्मी ने टेबल किया है और फिर ये सब बुक वगैरह लेके आई है। और एक मैं आपको सीनरी दिखाना चाहती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा वो पसंद है, मतलब उससे भी अच्छी सीनरी है, बट मुझे ना ये वाली सीनरी थोड़ी अच्छी लगती है। कितना भारी है ये देखो सीनरी, ये है, मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो ये मोर बनाया ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं है सीनरीज वगैरह, वैसे हर चीज़ ही। चलो तो मैंने सोचा चलो पहले आपको मैं दिखा दूं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक कप चावल लिया है और इसे अच्छे से हम लोग धोएंगे, अच्छे से मतलब अच्छे से पूरा जो जितना भी इसका स्टार्च है उसे सब निकाल देंगे। चलिए धो लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसे रब कर लेते हैं, स्टार्च निकाल लेते हैं। और ये खीर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो अब अगली बार तो बनेगी ही, तो मैं उस समय आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखा दूँगी। और इसमें मैं खीर दिखाना भी भूल गई हूँ, सॉरी। तो आज ना गुड़ की खीर बनेगी, इसीलिए मैंने चावल धोए थे, ये देखिए। तो चलो ये तो अब हो चुके हैं, इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ ना मेरा ये जो रास्ता है, यहाँ से मेरा गार्डन है, तो वहीं से मैंने जहाँ से ब्रिंजल आज मैंने तोड़े थे ना, वहीं आपको ले जा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको मेरा ब्रिंजल का जो पूरा पेड़ है कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा है, पूरा पूरा फैल गया है नीचे तक, पूरा फैला हुआ है। और बाकी वो जो पीछे सब है सब कुछ मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। ऊपर बेल है, सारे पत्ते झड़ गए हैं बेल के। तो फिर ये देखो यहाँ पे हमारा जो गवावा का पेड़ है, यहाँ पे गवावा, पीछे बेल देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। और ये यहाँ पे आम का पेड़ है, तो चलो चलें, तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो फ्रेंड्स, आपको मैं अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये कैसे देख रहा है इसे पानी पिलाना है अभी तो, पर मेरे दादा पिलाएंगे, तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो 7 o'clock हो गया है, मेरे भाई की क्लास भी चलने लगी है, वॉइस मेरी अच्छे से आ नहीं रही होगी क्योंकि क्लास चल रही है। तो यहाँ पे प्रेयर हो रहा है, स्कूल चलने से पहले सबके यहाँ प्रेयर होता है, तो नेशनल एंथम हो रहा है। तो क्लास, अब मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा दिया है, क्लास चल रही है, बट अभी मेरी क्लास नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना खीर दिखा दूँ, जो मैं खीर यहाँ पे बना रही हूँ, गुड़ की खीर है, तो वही मैं बना रही हूँ, तो वो मैंने आपको सोचा कि क्यों ना दिखा दूँ। तो चलिए खीर बन रही है यहाँ पर हम लोग की। तो यहाँ पर मैंने शावर ले लिया है और यहाँ पर मेरा भाई, ये रहा मेरा भाई, और ये यहाँ पे बैठ के क्लासेस कर रहा है, इसकी अभी भी क्लासेस चल रही हैं और मेरी भी अभी चल रही थी, पर मैं 1 घंटे का मुझे ब्रेक, तो मैंने उसी में शावर ले लिया है और सब कुछ हो गया है। हेलो, और अब मैं यहाँ पे शावर लेके और खीर खाना सब खा के
बैठी हूँ पढ़ने और अब मेरी क्लासेस बहुत सही चलने वाली है, वो भी लगातार, तो मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो मैं ना सब रात वात हो गया है और मैंने क्या किया, मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लूँ। यहाँ पे मेरी दादी बैठी है तो इसी आवाज़ आएगी आपको। और सो फ्रेंड्स, मेरी क्लास वगैरह सब कुछ हो गया है और अब मैं आराम से बैठी हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चुपचाप से बैठी हुई हूँ। और मैंने पता है आज क्या किया, आज मेरा जब क्लास वगैरह सब ख़त्म हो गया था तो मैंने ये देखो, मैंने ये थोड़ा सा मेहंदी लगा के देखा, ये मेरी दादी के पास पड़ा हुआ था। तो मुझे तो कोई डिज़ाइन वगैरह चाहिए नहीं होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सिंपल सी मेहंदी मैंने सोचा आगे पीछे लगा लेती हूँ। आधी अभी 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 मैंने धोई है मेहंदी, मतलब सूख गया था तो मैंने उसे धो लिया और धो के ये थोड़ा सा लाल हुआ है, अभी और लाल होगा। तो अभी तो हम लोग 5:30 बज के, मैंने सोचा व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ बना देती हूँ वीडियो। पर पता है गाइस क्या हो रहा था, कभी कुछ कोई आ जा रहा खाने तो कभी कोई आ जा रहा, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी देर के बाद ही बनाऊँगी, अब सीधे रात में बनाऊँगी। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ चुपचाप से, तो चलो फिर क्या करें, अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलना चाहती हूँ। बट इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बाहर आंधी चल रही है, मेरा एकदम मतलब मैं दिखाती हूँ अपनी खिड़की से आपको दिखाती हूँ, इतनी तेज़ हवा। मेरी दादी भी यहीं पे बैठी हुई हैं, वो हवा ले रही हैं गेट खोल के, क्योंकि देखो जो पंखे की हवा होती है उससे ज़्यादा नेचुरल हवा लेने में हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, लाइक करते थे। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। मेरे पूरे जो पेड़ वगैरह ना देखो एकदम शिवरिंग कर रहे हैं और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे मतलब हवा से बड़ा मज़ा आते हैं। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। वीडियो आज बताया मैंने पूरे दिन में कितनी वीडियो शूट की, एक वीडियो जो यही वीडियो थी, मैंने सोचा क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और मेरी 10:30 बजे से तो क्लासेस होती हैं, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़े समय के बाद ही बनाऊँगी। तो यहाँ तो भाई पूरा ऊपर पेड़ लगा है, छत पे तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं ना आधे घंटे वहीं बैठ गई। बट मम्मी को यहाँ लाइट वाइट नीचे बंद करने आना था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आ जाती हूँ, तो हम लोग वही लाइट वाइट बंद कर रहे हैं और फिर ऊपर चलेंगे। तो मैं सोचा चलो थोड़े से टाइम मिला है मुझे, वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं बैठी हूँ, थोड़ी हवा लेके, वैसे तो ऊपर ही सोना है मुझे, पर अगर हाँ बारिश हुई तो फिर मैंने यहाँ देखो बिस्तर पूरा अपने लिए लगा दिया है कि अगर बारिश अगर हुआ कुछ भी तो मैं फटक से वहाँ का सब बंद करके, क्योंकि हम लोग वैसा वाला लगाते हैं ना मच्छरदानी, तो बंद करके अपने इसी और ऐसे बिस्तर पे सो जाऊँगी। मुझे ना ये चौकी वाला रूम अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ना खिड़की बेड से अटैच है, तो हवा आती रहती है। और बाकी तो ये सब लगा है, इन्वर्टर अभी फुल चार्ज हो ही है, तो चलो हवा बहुत तेज आ रहा है क्योंकि जो इतने भी सब हमारे भैंस वगैरह हैं, अगर रात में बारिश हुई तो उन्हें ठंड लग जाएगी, तो इसलिए उन सबको अंदर करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद सोएंगे। तो अभी मेरे दादाजी आए थे, मतलब मैं तो अपने दादाजी को बाउल बुलाती हूँ, तो वो आए थे पानी भरने के लिए। तो फिर बंद करूँ इस खिड़की को, जब आएंगे तब मैं खोलूँगी इसे। वीडियो ना हो गई है बहुत लंबी, तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको 2 दिन का इसमें दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय और बी सेफ। ओके बाय।